और जिसने आपने बनाया पिता परमेश्वर, हम इस दिन में पिता प्रवेश कर पाते हैं। हम आपकी स्तुति, हम आपकी आराधना करने पाते हैं, हम आपके भवन में, हम आपकी उपस्थिति में बैठने पाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिता आप यहाँ उपस्थित है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सचमुच हमें एक नया जीवन दिया है। हम आप में एक नई सृष्टि है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारे मनों को खोलिए पिता। आज हमारे मुखों को अपनी महिमा के लिए खोलिए। और प्रभु, जो आपने हमारे लिए सहायक को भेजा है, पवित्र आत्मा को भेजा है, आज हम उस सहायता को मांगते हैं। आज हम चाहते हैं कि जब हम आपकी आराधना करें, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में, आपकी सहायता से, आप में एक मन होकर, एक आत्मा होकर आज हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड कि प्रभु आप यहाँ हैं और प्रभु आप हमारा नियंत्रण ले रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको सराहते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस वक्त हम सचमुच हम आपके साथ जुड़ जाना चाहते हैं। हम आत्मा में हम आपसे जुड़ जाना चाहते हैं पिता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपकी प्रेम की हम आपको धन्यवाद। इस स्थान में प्रभु हम आपको वेलकम करते हैं। आप यहाँ है इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपको सारा सम्मान देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह नाज़रेती के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
की जो बातें हम लोग इन दिनों सीख रहे हैं वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है। आमीन। और पिछले कुछ समय से हम लोग सेवकाई के विषय में सीख रहे थे और उसमें से दो महत्वपूर्ण विषय हम लोगों ने अध्ययन किया था। एक है प्रेम, क्योंकि बिना प्रेम के हम कोई सेवकाई नहीं करते, क्योंकि सारी सेवकाई का जन्म प्रेम से हुआ। और दूसरा बुलाहट, क्योंकि हम ऐसा नहीं करते कि हमको परमेश्वर प्रेम करता है, हम समझते हैं कि परमेश्वर ये करना चाहता है तो हम कूद पड़ते हैं किसी भी काम के लिए, लेकिन हम लोग उसी काम को करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। और पिछले सप्ताह मैं इस बात को बता रहा था कि आप किस रीति से परमेश्वर की बुलाहट को जान सकते हैं, और जब परमेश्वर की बुलाहट है तो आप उसको अपने अंदर किसी न किसी रूप में ज़रूर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई परमेश्वर का जन आकर के आपसे कहे कि परमेश्वर चाहता है कि आप ये काम करें, तो भी ऐसा नहीं कि उस जन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बात करेगा, लेकिन परमेश्वर आपसे बात करेगा और उस जन के द्वारा आपको कन्फर्म करेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर आपसे बातचीत ना करे, परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेजे और वो आपसे बातचीत करे, आपकी बुलाहट बताए तो चला जाए, आप आगे बढ़कर उस काम को करने लगेंगे, कल को आपकी समस्या आ जाएगी, कुछ चुनौती का सामना करना पड़ेगा तो आप उसी को खोजेंगे, क्योंकि आपने तो परमेश्वर से सुना ही नहीं। आपको उस प्रकार का विश्वास परमेश्वर से सुनेंगे तब प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके भीतर में बोलता है। और अगर वो बात आप में नहीं रहेगी तो आप अपने काम को अधूरा छोड़ दें, क्योंकि फिर वो आदमी आपके पास से चला जाएगा, आप उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम जिस किसी चुनौती का भी सामना करें, हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, परमेश्वर से सहायता लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी तरफ से नहीं कह दिया, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हमारे हृदय में उसकी बुलाहट है, हम उसको महसूस करते हैं। आज के दिन हम लोग कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जिसके हिसाब से आप जान पाएंगे कि किन किन प्रकार की सेवकाइयाँ होती हैं, ताकि जो आपकी बुलाहट है आप उसको भली भांति पहचान सकें। आमीन। ताकि जितने प्रकार की सेवकाइयाँ होती हैं हम लोग उनको भली भांति पहचान सकें और उसके द्वारा हम परमेश्वर के काम को कर सकें। तो बाइबल इस विषय में क्या शिक्षा देती है, और अगर हम लोग बाइबल की शिक्षा को देखें तो उसको दो भाग में बांट सकते हैं। जो हमारी सेवकाई होगी, सेवकाई कई प्रकार की होती है, लेकिन उन सेवकाइयों को हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक है विभाग के हिसाब से सेवकाई, अर्थात ऑफिस बोला जाता है इंग्लिश में। पांच प्रकार के विभाग हैं जिसके तहत सेवकाइयाँ चलती हैं, और उस तरीके से हम लोग उस काम को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा हिस्सा होगा जिसमें हम लोग कार्यों के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि स्पेसिफिक काम है, ये काम करना है, विभाग के रूप में उसको जानना जरूरी नहीं है, और तब हम उस काम को करते हैं। लेकिन जो कामों के रूप में भी आएंगे वे भी किसी न किसी विभाग से संबंधित होगा। अभी मैं जब शुरू में इसको बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप इसको कितना समझ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर इसको समझेंगे। तो हम लोग विभाग के हिसाब से जो सेवकाई है उसको पढ़कर देखेंगे इफिसियों की पत्री में और उसके अध्याय 4, इफिसियों की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके पद 11। जब हम लोग इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री कलीसिया को संबोधित करके लिखी गई है, और ये बताया गया है कि कलीसिया मसीह की देह के रूप में किस प्रकार से काम करती है, और उसमें नियुक्त किए गए सेवक किस लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनका काम क्या है, वो उसमें बताया गया है। और जो कलीसिया के सदस्य हैं उन लोगों की जिम्मेदारी क्या है, उस बात को भी इसमें बताया गया। इसमें सेवकाई का वर्णन है, बारीकी से है। तो हम लोग जितने प्रकार के सेवक होते हैं या विभाग के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से, हम लोग उसको यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं। इफिसियों की पत्री 4:11, आइए हम लोग इसको एक साथ पढ़ें। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़े लिखता है कि एंड ही हिमसेल्फ गेव सम टू बी अपोसल्स,
some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Apostles matlab prerit, prophets matlab bhavishvakta, evangelists matlab susamachar sunane wale, pastors matlab rakhwale, teachers matlab updeshak, shiksha. अगर आप इसको दूसरे अनुवाद से पढ़ेंगे आईबीपी तो वहां पर आप पाएंगे रखवाले के लिए शब्द वहां लिखा हुआ है, पास्टर उपदेशक के लिए शब्द लिखा है शिक्षक, क्योंकि वही उसका अर्थ भी है। और हम लोग एक एक करके इन सेवकाइयों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार की सेवकाई है। तो उसने कहा, उसने कुछ लोगों को प्रेरित नियुक्त किया। ये जो डिस्प्ले है इसमें प्रेरित शब्द गायब है, कंफ्यूज मत होइए, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, उसमें एक शब्द है प्रेरित। तो एक सेवकाई है जो प्रेरित की सेवकाई है, एक सेवकाई है जो भविष्यवक्ता की सेवकाई है, और एक सेवकाई है जो सुसमाचार सुनाने वाली इवेंजलिस्ट की सेवकाई है, एक सेवकाई पास्टर की है, एक सेवकाई शिक्षक की है। और ये पांचों सेवकाइयां महत्वपूर्ण है। ये पांचों सेवकाइयां इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि जब ये सारे मिलकर अपने कामों को करेंगे तो पूरी कलीसिया के लिए वो लाभदायक होगा। और इन पांचों में से यदि कोई एक भी सेवकाई वहां पर मिसिंग रहेगी तो वहां पर हम लोग कुछ अधूरेपन को महसूस करें, वहां पर हम कुछ खालीपन पाएंगे कि कुछ तो घटी है, कुछ तो कमी है। और जब भी हम लोग पहली शताब्दी की कलीसिया से अपनी तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हम वहां पर नहीं। शुरुआत की जो कलीसिया थी उसमें ये पांचों प्रकार के लोग हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में समय बीतते बीतते ऐसा हुआ कि कई प्रकार की सेवकाइयां बीच में नहीं रही। मुख्य रूप से जो सेवकाइयां चलती रही कलीसिया के इतिहास को देखें तो उसमें पास्टर की सेवकाई थी और उसमें सुसमाचार प्रचार करने वाले की सेवकाई रह गई। बाकी जो तीन सेवकाइयां थी वो किसी न किसी रूप में प्रभावित हो गई, शिक्षक भी किसी रूप में उपलब्ध थे लेकिन पूर्ण शिक्षा लेकर आने के लिए लोग कम थे या नहीं के बराबर भी थे। लेकिन इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि हम इन पांच प्रकार की सेवकाइयों को नियुक्त कर सकते हैं। और इन सेवकाइयों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर जब आपको बुलाहट देगा तो हो सकता है कि आपको स्पष्ट साफ साफ ये ना कह दे प्रेरित, या ये ना कह दे कि भविष्यवक्ता, या ये ना कह दे कि फलाना, लेकिन हो सकता है बोझ के रूप में आप महसूस करें या किसी दूसरे रूप में महसूस करें। तो हमको जानना चाहिए कि इसमें किस किस प्रकार के काम हैं। पांच विभाग हैं तो पांचों विभाग में किस किस प्रकार के काम हैं, ताकि जो हमारे अंदर का झुकाव है, हमारे अंदर का बोझ है, वो हमको पहचानने में मदद करे कि इनमें से किस विभाग में हमारे काम है, हमारी सहभागिता होगी, हमारा योगदान होगा, हमारी बुलाहट है। और हम लोग एक एक करके आरंभ करते हैं। हम लोग सबसे पहला जो इसमें शब्द था प्रेरित, उस प्रेरित के विभाग के विषय में थोड़ा सा चर्चा करें, हम लोग उसके समझने की कोशिश करेंगे। ऑफिस ऑफ एन अपोस्टल, जो अपोस्टल है, जो प्रेरित है, उसका विभाग क्या है, उसका काम क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसका अभिषेक क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें जो यूनानी में दिया गया है प्रेरित के लिए। प्रेरित के लिए जैसे हिंदी में जो शब्द है वो है प्रेरित, और इंग्लिश में जो शब्द है वो है अपोस्टल, लेकिन यूनानी में जो शब्द है वो है अपोस्टोलोस, जिसका अर्थ होता है भेजा हुआ। अपोस्टोलोस जिसका अर्थ है भेजा हुआ, जिसको परमेश्वर ने भेजा, कहीं भेजा, वो व्यक्ति है अपोस्टल। अपोस्टोलोस से ही इंग्लिश शब्द बना अपोस्टल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रेरित। हालांकि जो प्रेरित शब्द है हिंदी में वो उसका सटीक अनुवाद नहीं है ना, अपोस्टोलोस का जो अनुवाद है सही अनुवाद प्रेरित नहीं है, क्योंकि प्रेरित का मतलब क्या है, जैसे उसने मुझे प्रेरित किया ना, मैं बोलने के लिए प्रेरित हो रहा था, मतलब मानो मुझे प्रेरणा मिली ऐसा लगता है। तो प्रेरित कहने से ऐसा लगता है कि जिनको प्रेरणा दी गई, जिनको परमेश्वर प्रेरित कर रहा था कुछ, नहीं नहीं उसका, बल्कि इसके इससे ज्यादा सटीक उसका जो शब्द होगा हिंदी में वो होगा प्रेषित, है ना, प्रेषित करना, भेजना, प्रेषित। तो उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, या हम कह दें प्रेषित नियुक्त करके, भेजा हुआ नियुक्त करके, और कुछ को भोजन। तो जो प्रेरित है उसका अर्थ है भेजा हुआ। तो भेजा हुआ जो अर्थ है तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर ने पहले तो उसको अपने राज्य में बुलाया है और अब उसको राज्य के बाहर भेज रहा है कि तुम जाओ और राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करो। क्योंकि जितने प्रेरित बाइबल में दिए गए हैं
उन सब की यही जिम्मेदारी थी कि वे जहां पर परमेश्वर का राज्य है वहां आनंद के साथ बैठे हुए ना रहें, लेकिन वहां से कहीं बाहर जाएं और जहां परमेश्वर का राज्य नहीं है वहां पर उसको स्थापित करें। हम लोग 12 प्रेरितों का नाम जानते हैं, लेकिन जिसने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया वो भी एक प्रेरित था। इब्रानियों की पत्री निकालिए और उसके अध्याय 3, इब्रानियों की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके पद 1, हम लोग एक साथ देखें इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 और उसके पद 1। आइए हम लोग एक साथ इसको पढ़ते हैं, एक साथ। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। उसने यीशु मसीह के विषय में जब कहा तो उसने कहा कि वो प्रेरित और महायाजक है, वो अपोस्टल और हाई प्रिस्ट है। यीशु मसीह भी एक प्रेरित था जिसको भेजा गया था, वो स्वर्गीय स्थान पर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, वहां पर आनंद की कोई वृद्धि नहीं थी, वहां पर सब कुछ उसके अनुसार था, स्वर्ग में जैसे उसकी इच्छा पूरी होती वहां सब कुछ उसके अनुसार था। लेकिन उसको भेजा गया, उसको नीचे भेजा गया, धरती पर भेजा गया, जहां समस्या थी, जहां पर सब कुछ परमेश्वर के मन मुताबिक नहीं था वहां पर भेजा गया। तो यीशु मसीह प्रेरित है क्योंकि उसको स्वर्ग से भेजा गया धरती पर। और जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने प्रेरित के रूप में यहां पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। पहले तो उसने प्रचार किया और कहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और फिर जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अनुग्रह दिया और वे सब परमेश्वर के राज्य में आ गए। और जितने लोग आए उसमें से उसने कुछ लोगों को चुना कि वे लोग इस राज्य में रहते हुए जहां उनका झुंड है वहीं पर आनंद मनाते हुए न रह जाए। कि हमारा झुंड है, हम लोग इंजॉय करते हैं, हमारा एक नया धर्म बन गया है, हम लोग परंपराओं को बना रहे हैं, चल रहे नहीं। लेकिन उनको नियुक्त किया कि वे लोग वहां छोड़कर उसको किसी के हाथ में रखकर वहां से चले जाए दूसरी जगह पर जहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है और वहां पर उसको स्थापित करें। और इसके लिए उसने मूल रूप में 12 लोगों को चुना था जिसका वर्णन हम लोगों को मत्ती की पुस्तक में मिलेगा, मत्ती की पुस्तक और उसके अध्याय 10, मत्ती की पुस्तक और उसके अध्याय 10 और उसके पद 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर जिन 12 लोगों को उसने नियुक्त किया था उनके विषय में लिखा है। और पद 1 से हम पढ़ते हैं, लिखता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अन्द्रियास, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तुलमै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। तो ये 12 लोगों का नाम है जिनको परमेश्वर ने अपने पास में बुलाया और उनको इस बात के लिए नियुक्त किया कि वे लोग जब प्रेरित का काम करें तो परमेश्वर की बड़ी सामर्थ उनके जीवन से प्रकट होने पाए। और इसलिए जब उसने उनको बुलाया तो उनको अशुद्ध आत्माओं पर भी अधिकार दिया, बीमारियों पर अधिकार दिया, दुर्बलताओं पर अधिकार दिया। और उनको बाद में 5वें पद को पढ़ते हैं तो लिखता है कि इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। शुरुआत में तो ट्रेनिंग हो रही थी, यीशु मसीह पूरी तरीके से अपना उद्धार का काम पूरा नहीं किए थे, परमेश्वर का राज्य ऑफिशियली उस रीति से आरंभ नहीं हुआ था जिस रीति से उसके क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद हुआ। तो इसलिए उसने अपने साथ में जितने रहने वाले 12 जिनको उसने चुना था प्रेरित करके उनको पहले ट्रेनिंग दिया और उनको भेजा। और जब उनको भेजा तो उनको इसराइल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास में भेजा। लेकिन बाद में उनसे कैसी मत्ती की पुस्तक के आखिरी अध्याय में उसने उनको कहा कि अब तुम जाओ और समस्त संसार के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। और उसने ऐसा करके उनको भेजा। और इन 12 प्रेरितों का नाम जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम यहूदा इस्करियोती जो अपनी बुलाहट को पूरी नहीं कर पाया, जिसको बुलाया तो गया था कि वो बाकी प्रेरितों के समान ही काम करे लेकिन उसने आधा ही काम किया था, उसने मतलब आगे बढ़ने से पहले फांसी लगा ली, वो मर भी गया।
और उसकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसको हम लोग पिछली दफा सुन रहे थे प्रेरितों के काम के पहले अध्याय, उसका नाम था मत्तिया। तो 12 प्रेरितों में यहूदा इस्करियोती जब हट गया तो उसके स्थान पर मत्तिया आया, और जितने 12 प्रेरित थे उनको कहीं ना कहीं परमेश्वर ने भेजा। और अगर हम कलीसिया के इतिहास को देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वे लोग ऐसा नहीं था कि यरूशलेम में केंद्रित होकर के अपना काम कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं भेज दिया गया। पत्रस को अगर हम देखेंगे तो वो रोम में चला गया, अंद्रियास को देखेंगे तो अभी का जो सोवियत संघ पुराने जमाने में था उस एरिया में चला गया, थोमा को अगर हम देखेंगे तो उसने पूर्वी सीरिया और भारत में भी वो आया, फिलिपस को हम देखेंगे तो वो उत्तरी अफ्रीका के हिस्सों में गया, मत्ती जो था वो फारस और इथियोपिया में गया, बर्तुलमय जो था कहते हैं कि वो भारत भी आया, आर्मेनिया और इथियोपिया और दक्षिणी अरब में गया, और इसी प्रकार उसके कई चेले जो बाकी थे उन लोगों को भी कहीं कहीं हम लोग जाते हुए देखते हैं। वे लोग यरूशलेम में आरंभ करके वहाँ से ही सारा चीज सिस्टम स्थापित करके बैठे हुए हैं, बाकी लोगों को अपने अंडर लेते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको परमेश्वर के राज्य में बुला दिया गया, नियुक्त किया गया, फिर जब उनको जिम्मेदारी दे दी गई तब वे बाहर निकले, बाहर निकलकर उस स्थान पर गए जहां परमेश्वर का राज्य नहीं था और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। जब हम इन प्रेरितों के विषय में स्टडी करते हैं बाइबल में से तो हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि कुछ पदों को जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ जो शुरुआत के लोग थे वही लोग प्रेरित हो सकते हैं, बाकी लोग नहीं। हम लोग कुछ पदों को पढ़कर देखते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके अध्याय 1, यहाँ अध्याय 1 और उसके पद 20 में से हम पढ़ते हैं। उसके ऊपर जो कुछ लिखा है वो ये है कि पतरस जितने लोग वहाँ थे उनके बीच में खड़ा हुआ और ये कहने लगा कि जो यहूदा इस्करियोती जिसको परमेश्वर ने हमारे समान बुलाया था प्रेरित होने के लिए, वो मर गया, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो जब वो मर गया तो उसके स्थान को कोई दूसरा ले ले, वचन भी ऐसे कहता है। और पद 20 उसने कोट किया, भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो उन्होंने उस यहूदा इस्करियोती के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया जो उसके पद को लेगा, जो उसके ऑफिस को लेगा, लेट अनदर टेक हिज ऑफिस, जो उसका विभाग है उसको लेगा, मतलब प्रेरित होने का विभाग कोई लेगा। और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पद 21 से कहता है इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तो जो क्वालिफिकेशन वे कह रहे हैं वो ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से जब यीशु मसीह ने सेवकाई आरंभ किया और जब तक वो स्वर्ग पर उठाने लिया गया तब तक जो लोग उसके साथ में रहे हैं उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। तो अगर हम इस हिसाब से बातें करें तो हम लोग नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग तब तो नहीं थे। ने उसने कहा कि कौन उस यहूदा इस्करियोती के पद को लेगा जो व्यक्ति यूहन्ना की बपतिस्मा देने के समय से लेकर यीशु के उठाए जाने तक उसकी सेवकाई में साथ साथ रहा। उसमें से दो लोगों का नाम चुना गया और उनमें से एक व्यक्ति का नाम था यूसुफ और एक का नाम था मत्तिया। फिर चिट्ठी डाली गई और मत्तिया चुना गया और मत्तिया जो था ये बाकी 11 प्रेरितों के साथ गिना गया, वो 12वां प्रेरित है। अगर हम पतरस के बात को पढ़ना चाहें अध्याय 10 में इसी प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 10 और उसके पद 38 से, तो उसने कुरनेलियुस के घर में जाकर यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया और उसने कहा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो बनाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया और हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया। तो उसने कहा कि
यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, हम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन जब वो मरे हुए में से जी उठा तो सबको नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों पर दिखाई दिया, और हम लोग वो लोग थे। उसने कहा कि 41 सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर। वो खुद प्रेरितों के विषय में कहता है, क्योंकि जब पहले अध्याय को हम पढ़ रहे हैं वहां कहा जा रहा है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से उसके उठाए जाने के समय तक साथ रहे। उसके उठाए जाने के समय अर्थात उन्होंने यीशु मसीह को जी उठे हुए देखा है, उन्हीं में से कोई प्रेरित हो सकता है। और पत्रस यहां पर वो क्वालिफिकेशन दे रहा है, हालांकि प्रेरित शब्द का वर्णन यहां पर नहीं। अगर हम इस हिसाब से बातें करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अभी के समय में कोई भी व्यक्ति प्रेरित नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अभी के समय में, क्योंकि वचन ऐसा कह रहा है, प्रेरित नहीं हो सकते, बल्कि वे ये भी कहते हैं कि भविष्यवक्ता भी नहीं हो सकते, क्योंकि इफिसियों की पत्री में ऐसा लिखा है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2, इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 25, वहां पर वो इफिसियों के लोगों को संबोधित करके कह रहा था, क्योंकि इफिसुस में अन्य जाति लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, तो उनको ये बताया जा रहा था कि हम यहूदी लोगों ने तो पहले से मसीह पर आशा रखी थी, और जब वो आया हमने उस पर विश्वास किया। अब उस समय तुम लोग परमेश्वर से दूर थे, जगत में ईश्वर रहित थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे, लेकिन जब सुसमाचार आया तुमने विश्वास किया, अब तुम हमारे साथ हो गए, अब हम लोग एक देह हो गए, अब हम लोग एक झुंड हो गए, अब हमारा एक ही चरवाहा है, अब मानो हम लोग एक ही बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग के अलग अलग ईंट है, पत्थर है, जिनको जोड़ जोड़ करके परमेश्वर का मंदिर बनाया जा रहा है। और ये जो बिल्डिंग है इसके नींव पर कुछ लोगों को लगाया गया, और इसलिए हम लोग पद 19 से अगर हम पढ़ें तो लिखता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिनके जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। उसने कहा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाए गए। तो इसी के आधार पर कुछ लोग कहते हैं कि जो भविष्यवक्ता थे और जो प्रेरित थे वे पहली शताब्दी के थे, वे उस समय थे, वो नींव में बने। अब जो बाद में आए नींव के ऊपर बने हैं, ऊपर की ईंट हैं, तो मतलब नींव नहीं है। तो प्रेरित और भविष्यवक्ता नींव थे, तो अभी कोई भी होगा तो वो नींव में तो नहीं लगेगा, ऊपर ही लगेगा, तो वो प्रेरित नहीं हो सकता, भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो व्याख्या है वो सही है, क्योंकि अगर हम कहीं से एक ही पद को पढ़ें तो हम लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन इसी बीचों की पत्री में हम लोगों को दूसरे पदों को भी पढ़ना चाहिए। और इसीलिए हम लोग चौथे अध्याय के पद 11 से फिर से पढ़ते हैं, पद 11 से फिर से पढ़ते हैं, और वहां क्या लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, आगे आगे आगे, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति कर दी जाए। बहुत लंबा हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन जो कुछ वहां पर लिखा है वो ये है कि जो मसीह की देह के रूप में कलीसिया का वर्णन किया जा रहा है उसका उद्देश्य है कि वो कलीसिया मसीह के पूरे डील डॉल को प्राप्त करे। अर्थ ये है कि वो कलीसिया तो है लेकिन मानो वो बच्चे के रूप में है, जब तक वो जवान होकर हट्टे कट्टे ना बन जाए तब तक वो पूरे डील डॉल को प्राप्त नहीं कर पाए। तो पौलुस प्रेरित की नज़र में वो पूरे डील डॉल तक नहीं बढ़ पाए थे, गलातिया की पत्री में हम लोग इस बात को पाएंगे।
तो वो कहता है कि जब तक मैं पूरे डील डॉल तक ना पड़ जाए तब तक के लिए उसने प्रेरित भविष्यवक्ता सुसमाचार सुनाने वाले और पास्टर्स और शिक्षक उसने नियुक्त किया। क्योंकि हम लोग पद 11 से फिर से एक बार देखें, पद 11 उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, भविष्यवक्ता सुसमाचार सुनाने वाले रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब ऐसे अवस्था में ना पहुंचे। उसने कब तक के लिए इन पांच प्रकार के लोगों को दिया? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। इसका मतलब है कि कलीसिया जब तक इस अवस्था में नहीं पहुंचेगी तब तक ये पांच प्रकार की सेवाएं चलती रहेगी। हालेलुया। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रेरित लोग जो थे सिर्फ पहली शताब्दी में ही थे, यीशु के 12 चेले ही थे कई प्रेरित थे, और उसके बाद वाले नहीं हो सकते, क्योंकि प्रेरित जो है वो तब तक के लिए हैं जब तक कि ये अवस्था प्राप्त ना हो जाए जो पद 13 और 14 से लेकर 16 तक में है। लेकिन तब पतरस तो कह रहा था कि प्रेरित का पद कौन ले सकता है, वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर उसे उठाए जाने के दिनों तक यीशु मसीह के कामों के गवाह है। अगर हम स्ट्रिक्टली इसी सेंस में बात करें तब तो 12 के अलावा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि सिर्फ 12 प्रेरित नहीं थे बल्कि और भी कई प्रेरित थे, जैसे कि प्रेरित पौलुस। हम लोग सब जगह उसका नाम पढ़ते हैं, उसके नाम के साथ में प्रेरित लिखा हुआ है। लेकिन प्रेरित पौलुस तो वो व्यक्ति नहीं था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के समय से यीशु मसीह के जी उठने तक उसके सेवकाई का गवाह रहा, नहीं था। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उस दायरे को बढ़ाया कि वो दायरा सिर्फ ये ना रहे, प्रेरित होने का दायरा सिर्फ ये ना रहे कि वो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से उसके उठाए जाने तक उसके गवाह रहे, उसके साथ साथ रहे। सिर्फ वो नहीं, उसने उस दायरे को थोड़ा खोला जिसमें दूसरे लोग भी शामिल हो सकते हैं। उसमें प्रेरित पौलुस भी शामिल हो सकता है, उसमें बरनबास भी शामिल हो सकता है, उसमें तीतुस भी शामिल हो सकता है, उसमें तीमुथियुस भी शामिल हो सकता है, उसमें इपफ्रदीतुस भी शामिल हो सकता है, उसमें सीलास भी शामिल हो सकता है। क्योंकि जिनका नाम इस घड़ी मैंने लिया बाइबल में कहीं ना कहीं वे लोग प्रेरित के रूप में लिखे गए हैं, उनके नाम के साथ प्रेरित शब्द जुड़ा है। एक तो मैं उदाहरण आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन वो जो लोग थे, जैसे कि बाकी उनका तो हम नहीं जानते कि कहां से आए कैसे आए, लेकिन प्रेरित पौलुस तो कम से कम वो व्यक्ति नहीं था जो यीशु की सेवकाई के दरमियान था। वो यीशु मसीह जी उठा है ये सब नहीं जानता था, उसको तो बाद में यीशु मसीह रास्ते में मिला जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। तो प्रेरित पौलुस एक प्रेरित के विषय में क्या कहते हैं, वो खुद को प्रेरित कहते हैं? पत्रस तो प्रेरितों के काम पुस्तक में कुछ बताया, लेकिन प्रेरित पौलुस ने भी प्रेरित के विषय में कुछ बताया है कि प्रेरित कौन होगा। तो हम लोग जरा उसको पढ़ करके देखें। पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 15, पहला कुरिन्थ और उसके 15वें अध्याय और उसके पद 5 से, वहां पर जो अध्याय 15 है, जो पहले कुरिन्थ का अध्याय 15 है, वहां पर एक समस्या है, एक सवाल को डील किया जा रहा था कि कुरिन्थ के लोग ये कह रहे थे कि जो मरे हुए लोग हैं उनका पुनरुत्थान नहीं होगा। तो प्रेरित पौलुस उन सवाल का जवाब ऐसे दे रहा था कि भाई यीशु मसीह अगर मर के जी उठा है तो हम लोग भी मर के जी उठेंगे, अगर हम लोग मर के नहीं जी उठेंगे तब तो यीशु मसीह भी नहीं जी उठा, तब तो सब कुछ व्यर्थ है। वो इसी तर्क के आधार पर अध्याय 15 लिखता है, और जब वो अध्याय 15 लिखता है तो उसमें हम लोग पद 3 से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को संदर्भ पता चलता जाएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इस अध्याय में यीशु मसीह के जी उठने पर जोर दिया गया है। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, उसने कहा कि पतरस को दिखाई दिया और 12 को भी दिखाई दिया, सारे जो मत्तियाह तक है सबको दिखाई दिया। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और उसने लिखा सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। उसने कहा सब प्रेरितों को दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दिया, मैं सब प्रेरितों में सबसे छोटा हूं लेकिन मुझे दिखाई दिया।
तो उसके कहने का अर्थ ये है कि प्रेरित वो व्यक्ति है जिसने जी उठे हुए यीशु मसीह का दर्शन पाया। हालेलुया। हर व्यक्ति जिसने उस जी उठे मसीह का दर्शन पाया वो प्रेरित नहीं है, लेकिन प्रेरित लोगों ने निश्चित रूप से जी उठे हुए यीशु मसीह को देखा। वो सब कैफा को दिखाई दिया, बारों को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया। याकूब अर्थात यहाँ जिस याकूब का नाम है वो याकूब यीशु मसीह के चेलों में से नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के भाइयों में से था। मैं उसका प्रूफ मैं कभी फिर कभी आपको बताऊं, लेकिन यीशु मसीह के भाइयों में से था। फिर उसने कहा मुझे भी दिखाई दिया। सब प्रेरितों को दिखाई दिया, मतलब सिर्फ 12 लोग ही प्रेरित नहीं, और भी लोग हैं। सब प्रेरितों को दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दिया, क्योंकि मैं भी प्रेरित हूँ। और इसी तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि तब जो प्रेरित होगा वो कौन होगा, वो व्यक्ति कौन, किसी को हम प्रेरित कब कह सकते हैं, जब उसने जी उठे मसीह को देखा हो और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हो। कोई व्यक्ति ये भी हो सकता है कि उसने जी उठे हुए मसीह को देखा लेकिन प्रेरित होने के लिए नहीं बुलाया गया। जैसे कि यहाँ लिखता है कि 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जी उठने के बाद, लेकिन वो सारे 500 प्रेरित नहीं बने, लेकिन जो प्रेरित थे उन्होंने निश्चित रूप से जी उठे मसीह को देखा। एक और इसी पहले कोरिंथ में से हम लोग निकालेंगे अध्याय 9। देखिए जो उसका कथन है और जो उसका फ्लो है, जो उसका तर्क है, वो इसी तर्क के इर्द गिर्द घूमता है कि प्रेरित ने यीशु मसीह को देखा, जी उठे मसीह को देखा। पहला कोरिंथ अध्याय 9 और उसके पद 1 से देखिए। वहां पर प्रेरित पौलुस अपने अधिकार का वर्णन कर रहा था और बता रहा था कि मैं भी प्रेरित हूँ, और वो कह रहा था क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या मैं प्रेरित नहीं। तो क्वालिफिकेशन क्या है, मसीह को देखना, देखा हुआ होना चाहिए। तो क्या मैंने नहीं देखा, तो दायरा परमेश्वर ने बढ़ा दिया कि सिर्फ वो यूहन्ना के प्रचार के दिनों से यीशु के उठाए जाने के समय तक रहने वाला व्यक्ति नहीं, उसके गवाह नहीं, लेकिन बाद का कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना प्रेरित होने के लिए, तो यीशु मसीह उसको अपना दर्शन देगा, उसको देख सकता है। और इससे ज्यादा लिबरल कोई बाउंड्री हमारे लिए नहीं, बस हम इसके आधार पर यह मान सकते हैं कि जितने भी प्रेरित लोग थे उन्होंने जी उठे हुए यीशु मसीह को देखा, जिनका बाइबल में वर्णन है। और इससे ज्यादा इसको छूट नहीं दी गई। बाइबल में हम वचन पढ़े कि प्रेरित के लिए और क्या योग्यता है, तो हम लोगों को और दूसरी छूट नहीं दिखाई पड़ती। पहली थी स्ट्रिक्ट, जो यीशु मसीह के सेवकाई के दिनों में से थे, फिर उसको थोड़ा सा लूज किया गया कि उसमें वे लोग आ सकते हैं जो उसकी सेवकाई के दिनों में नहीं थे, लेकिन अगर प्रेरित होने के लिए बुलाए गए तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा उसके जी उठने के बाद। उस हिसाब से यदि परमेश्वर आपको प्रेरित होने के लिए बुलाए, तब तो निश्चित रूप से आप यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। हालांकि अभी जो वर्तमान समय है उसमें कोई व्यक्ति इससे एग्री नहीं भी हो सकता है कि प्रेरित होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि यीशु मसीह को देखे, लेकिन मैं वचन के हिसाब से बातें करूं तो मुझे इससे ज्यादा लिबर्टी नहीं है ना। यहाँ एक स्ट्रिक्ट 12 लोगों तक सीमित था, उससे थोड़ा स्टेप में आ गए, लेकिन इससे आगे जाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा पद नहीं है, तो मैं यहीं तक सीमित रहूं। लेकिन यदि आपको प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ के इस वचन के हिसाब से ठीक है, हम लोगों ने सुसमाचार के समय यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद में उसका दर्शन पा सकते हैं कि वो हमारे सामने आए और हमसे कहे कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम जाओ इस काम को करो। लेकिन उसका जो अर्थ है वो है भेजा हुआ, उसको कहीं पर भेजेगा, और जब वो उसको भेजेगा तो मुख्य रूप से उसका काम सुसमाचार प्रचार का होगा, क्योंकि वो भेजा गया है तो उनके बीच में भेजा गया है जो मसीह के नहीं है, और जब भेजा गया है तो उनके बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करेगा, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। और अगर वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा, तब तो निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य भी उसके साथ में प्रकट होगी, क्योंकि प्रेरित पौलुस अपने प्रेरित होने के प्रमाण को इस प्रकार से प्रकट करता है, दूसरा कुरिन और उसके अध्याय 12 और उसके पद 11 से 12 में। तो वो कहता है कि मैं मूर्ख तो बना, वो अपने विषय में कहता, परंतु क्योंकि कुछ लोग पौलुस प्रेरित को मूर्ख कह रहे थे, मैं मूर्ख तो बना परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया,
तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों में से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। मुझे कहा कि मैं प्रेरित हूँ, ठीक है, मैं बड़े प्रेरितों में से नहीं हूँ, कोई भी हूँ, लेकिन प्रेरित के लक्षण भी मेरे जीवन से दिखाए गए। कैसे? धीरज सहित सब प्रकार के चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य कामों से दिखाए गए। तो यदि वो प्रेरित है तो उसके जीवन से चिन्ह प्रकट होंगे, उसके जीवन से अद्भुत काम प्रकट होंगे, उसके जीवन से सामर्थ्य काम प्रकट होंगे। चिन्ह के दरमियान या सामर्थ्य कामों के दरमियान निश्चित रूप से चंगाइयाँ भी होंगी, वो उसमें आते हैं, निश्चित रूप से दुष्टात्माओं को निकाला जाना भी होगा, और भी दूसरी बातें होंगी जो चिन्ह के रूप में हो सकते हैं। उसको परमेश्वर ने अगर प्रेरित होने के लिए चुना है तो इन चीजों को भी उसके लिए देता है। जैसे शुरुआत में ही जब उसने 12 लोगों को नियुक्त किया तो वहां पर हमने पढ़ा कि उसने उनको अशुद्ध आत्माओं पर और बीमारियों पर अधिकार दिया, दुर्बलताओं पर अधिकार दिया कि वे उनको दूर करें, निकाल सकते हैं। तो प्रेरित हैं तो उनको इस बात का अधिकार है, इस बात उनके अभिषेक में ही ये बात है। यदि किसी को प्रेरित होने के लिए अभिषेक किया गया है तो वो अपने अभिषेक के तहत इस बात का दावा कर सकता है कि मेरे साथ ये बातें निश्चित रूप से प्रकट होंगी। अगर नहीं हो रही है तो इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ सकता है, एक दिन वो प्रकट होने लगे। यदि परमेश्वर आपको इस बात के लिए बुलाता है तो आपको है ना बड़ा ग्लैमर तो मिलेगा, भाई इतना बड़ा चिन्ह और अद्भुत काम और सामर्थ्य काम आपसे प्रकट होंगे, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। और ये तय करना हमारा काम नहीं है कि प्रभु मैं प्रेरित बनना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के हाथ में है कि उसने जिनको चुन लिया उसको, उस समय और भी चेले थे लेकिन उसने 12 को अपने पास बुलाया। तो उसकी मर्जी पर है वो किसी को बुलाए, वो जिसको भी बुला सकता है और उसको भेज सकता है, और जब उसको भेजेगा तो इन सहायता के साथ भेजेगा, उसके अभिषेक में बातें होंगी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजेगा। लेकिन जिसको थोड़ा दिया गया है उसे थोड़ा मांगा जाएगा, और जिसको ज़्यादा दिया गया है उसको ज़्यादा भी मांगा जाएगा। तो यदि परमेश्वर आपको इस काम के लिए चुनता है, आपको इस काम के लिए भेजता है, तो आप निश्चित रूप से जाइए और आप परमेश्वर के राज्य को स्थापित कीजिए, ठीक है। मैं इस बात को बोल रहा था कि कुछ लोगों का नाम जो मैंने लिया प्रेरित के रूप में, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सचमुच प्रेरित हैं। तो जैसे बरनबास, तो पहला कुरिंथ आपने खोल कर रखा होगा, अध्याय 9, और उसके पद 5-6 यहाँ लिखता है, प्रेरित पौलुस कह रहा था कि क्या हमें अधिकार नहीं, मतलब मैं जो प्रेरित हूँ क्या हमें अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरे जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं। जैसे मैं हम लोग भी प्रेरित हैं तो दूसरे भी प्रेरित हैं, कैफा अर्थात पत्रस, वो लोग तो शादीशुदा हैं, तो क्या ही इसका हक नहीं है कि मैं शादी कर सकूँ। फिर वो कहता है क्या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े, मतलब खुद अपने जीविका करें और उसके साथ परमेश्वर का काम करें। मुझे और बरनबास, अपने साथ बरनबास को भी जोड़ लेता है। तो कहता है कि हम लोग प्रेरित हैं और हमें भी इस बात का अधिकार है। तो बरनबास को भी प्रेरित के लिस्ट में ले आता है। और अगर हम लोग दूसरी जगह स्पष्ट रूप से देखना चाहें तो गलातियों की पत्री में हम लोगों को देखना होगा, और उसके दूसरे अध्याय और उसके पद 9, गलातियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 9। अगर हम 8 से पढ़ें तो लिखता है क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। तो प्रेरितों का प्रभावशाली कार्य, प्रेरितों के रूप में जैसे चिन्ह और अद्भुत काम, सामर्थ्य काम, ये सब उसने पत्रस को करवाया क्योंकि प्रेरित था, तो उसी प्रकार उसने मुझे अन्य जातियों में करवाया, मैं भी प्रेरित हूँ। और सिर्फ मैंने, पद 9 कहता है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था तो जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए उनके पास। तो उनको संगति का दाहिना हाथ दिया, मीन्स ओके कर दिया कि चलो तुम लोग भी प्रेरित के साथ प्रेरित हो। इसी प्रकार हम लोग दूसरे जगहों पर भी और लोगों का नाम पढ़ सकते हैं, और
जिनका नाम प्रेतों के रूप में लिया गया है। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग गिनते हैं और बताते हैं कि 24 हैं, कुछ लोग गिनते और कहते हैं 28 हैं, कुछ लोग गिनते और कहते हैं 22 हैं। ठीक है, आप लोग अपना गिन लीजिए। और अगर आप रोमियों की पत्री अध्याय 16 और पद 7 देखना चाहें तो वहाँ पर दो लोगों का नाम है, यह लिखता है अंद्रुनिकुस और यूनियास, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे। नमस्कार। तो प्रेरितों में नामी है, मीन्स जिन फेमस प्रेरितों में नाम आता है उनमें से दो नाम ये भी है, अंद्रुनिकुस और यूनियास, ये लोग प्रेरितों के लिस्ट में हैं। अगर हम लोग लिस्ट पढ़ें, ग्रीट एंड्रोनिकस एंड जूनियर, माय कंट्रीमैन एंड माय फेलो प्रिजनर्स हु आर ऑफ नोट अमंग द अपोस्टल्स, वो प्रेरितों के बीच के हैं और प्रसिद्ध हैं, नामी हैं, ऑल्सो हु ऑल्सो वर इन क्राइस्ट बिफोर। तो ये लोग प्रेरित गिने गए हैं। इसी प्रकार और भी जिनका नाम मैंने लिया था वे लोग भी प्रेरितों के रूप में दर्ज किए गए हैं। तो सिर्फ वो 12 नहीं है, पौलुस भी है और भी लोग हैं, लेकिन पौलुस क्वालिफिकेशन दे रहा है, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा, सब प्रेरितों को दिखाई दिया, मुझको भी दिखाई दिया। तो पौलुस जिस प्रकार से तर्क दे रहा है वो ये है कि वो सब प्रेरितों को दिखाई दिया, तो यीशु मसीह प्रेरितों को दिखाई देता है, तो आप प्रेरित हैं तो आपको भी दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आपका काम होगा अन्य जाति के लोगों के बीच में ताकि आप उनको यीशु मसीह में स्थापित कर सके, परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सके। फिर विभाग के हिसाब से एक और नाम दिया गया था, प्रेरित भविष्यवक्ता सुसमाचार सुनाने वाले। अब कंफ्यूजन होगा कि सुसमाचार सुनाने वाले और प्रेरित में क्या अंतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही का मुख्य काम तो है कि अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करना, सुसमाचार प्रचार करना, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने वाले का कलीसिया के भीतर में काम नहीं है, क्योंकि वे सुसमाचार सुन के आए हैं, विश्वास कर लिया, और उनको क्या दोबारा सुनाइए, तो जो नहीं जानते उनके पास उनका काम। तो जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं उनका काम भी है कि वे लोग अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और उनको कलीसिया में अंदर ले आए। और अगर वे सुसमाचार सुना रहे हैं तब सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, इसलिए बाकी जो चिन्ह और अद्भुत काम है वो भी उनके साथ दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दोनों में अगर अंतर है तो सिर्फ इस बात का कि प्रेरित है जो भेजा हुआ है और जो सुसमाचार प्रचारक है वो अपनी जगह पर है। सिर्फ एक ही तरीके से मैं उनको अंतर कर सकता हूँ और वो ये है कि प्रेरित ऐसा नहीं है कि अपनी जगह पर एक कलीसिया है और वहीं पर खड़ा है और लोगों को उसमें जोड़ता जा रहा है, नहीं, उसको कहीं भेजा गया और वहाँ उसने स्थापित। लेकिन सुसमाचार सुनाने वाला क्या है, कहीं किसी कलीसिया का अंग है और वहीं अगल बगल सुसमाचार सुना रहा है और वहीं पर लोगों को जोड़ रहा है जो पहले से कलीसिया है उसमें, लेकिन जो प्रेरित है वो कहीं पर उसको स्थापित करता है। लेकिन काम के हिसाब से और सामर्थ्य के हिसाब से दोनों एक ही प्रकार से हैं। अब हम लोग आएंगे भविष्यवक्ता पर, भविष्यवक्ता के विषय में थोड़ा सा हम लोग जाने। ये जो भविष्यवक्ता शब्द है अगर हम लोग पुराने नियम में जाएं, नबीम नबीम नबी, तो उसका अर्थ होता है प्रवक्ता। और अगर हम कहें परमेश्वर का नबी तो इसका मतलब होता है परमेश्वर का प्रवक्ता। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर को जब बोलना होगा तो नबी बोलेगा, नबी के द्वारा ही बोलता है, नबी का मुंह ही परमेश्वर का मुंह है, उसके द्वारा बोलता है। तो ये जो भविष्यवक्ता है इसकी सेवकाई मूल रूप से कलीसिया के अंदर में, जो 5 प्रकार के विभाग हैं उसमें प्रेरित और सुसमाचार सुनाने वाले, इनकी सेवकाई मूल रूप से कलीसिया के बाहर के लोगों के लिए। लेकिन समय समय पर वे कलीसिया के अंदर में भी कुछ कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन मुख्य सेवकाई बाहर वालों के लिए। लेकिन जो भविष्यवक्ता है इस भविष्यवक्ता की मुख्य सेवकाई कलीसिया के अंदर वालों के लिए, और कभी कभी परमेश्वर उसको बाहर के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि आप किसी भी भविष्यवक्ता के विषय में देखिए या ज्यादातर मेजोरिटी आप पाएंगे कि उन्होंने झुंड के भीतर में ही काम किया। अब बिरले ही कोई भविष्यवक्ता पाया गया जिसको बाहर भेजा गया, जैसे कि योना, जैसे कि नहू। लेकिन आप उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का झुंड है उसके भीतर में काम करते हैं,
और झुंड के भीतर में वे परमेश्वर के माध्यम है। परमेश्वर उनके द्वारा बातें करेगा, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी सामर्थ्य भी प्रकट करेगा, परमेश्वर अपने बड़े कामों को भी उनके द्वारा करेगा। हालेलुया। आप भविष्यवक्ता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह उसको दर्शन ही दे। यीशु मसीह उसको दर्शन नहीं भी देगा तो भी उसको भविष्यवक्ता का काम दे सकता है। और पुराने नियम के भविष्यवक्ता थोड़े अलग थे और नए नियम के भविष्यवक्ता थोड़े अलग है। क्यों? क्योंकि पुराने नियम की वाचा अलग थी और नए नियम की वाचा अलग है। तो इसलिए पुराने नियम के जब भविष्यवक्ता होते थे वे लोगों को चेतावनी देते थे और दंड की भविष्यवाणी भी करते, मर जाओगे, गुलाम हो जाओगे वगैरह। लेकिन नए नियम के भविष्यवक्ताओं को उस प्रकार से करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको जिस काम के लिए बुलाया है वो है निर्माण का काम करना। और अगर वो भविष्यवक्ता होगा तो उसको परमेश्वर कई प्रकार के वरदान भी देगा, पवित्र आत्मा के वरदान। उसमें से भविष्यवाणी का वरदान तो जरूरी तौर पर रहेगा, उसके अलावा उसको ज्ञान के वचन का वरदान भी होगा, वो चीजों को जान जाएगा, ठीक है, और उसको बुद्धि के वचन का वरदान भी दे सकता है कि वो समस्याओं का समाधान कर सके, उसको आत्माओं की परख भी दे सकता है ताकि वो आत्माओं को परख भी सके कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, उसको और भी दूसरे वरदान दे सकता है। जो प्रेरित था उसको भी ये सारे वरदान प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि वो बाहर गया है, उसको इन सारे वरदान की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो भविष्यवक्ता है उसको भी ये सारे वरदान मिल सकते हैं, लेकिन जो उसका मुख्य काम रहेगा वो भविष्यवाणी के वरदान से संबंधित रहेगा और उसके इर्द गिर्द जितने उसके जरूरत की वरदान है वो सारे उसके साथ में होंगे, उसके अभिषेक में ही ये सारी बातें हैं। लेकिन इन सारे वरदानों के द्वारा जो उसका मुख्य काम होगा वो पहला कुरिन्थ अध्याय 14 और पद 3 में लिखा गया, और ये उसके काम को भी प्रकट करेगा। तो यदि आप भविष्यवक्ता के रूप में बुलाए गए हैं तो आपको सावधानी से समझना चाहिए कि आपका काम क्या है। ये नहीं कि आप जा करके यशायाह को पढ़ लिए, ये नहीं कि आप जा करके किसी को पढ़ लिए और आप कहने लगे ओ अच्छा विनाश की भविष्यवाणी भी करना है तो साथ साथ में आप विनाश में भविष्यवाणी कर लें, तो आप बनाने से ज़्यादा डैमेज का काम करेंगे। जिस काम के लिए आपको बुलाया गया आपने काम खराब कर दिया, क्योंकि वो पुरानी वाचा के तहत काम कर रहे थे, आप नई वाचा के तहत। तो नई वाचा के तहत जब भविष्यवक्ता बुलाया जाता है, भविष्यवाणी का वरदान उसको दिया जाता है, तो वो क्या करेगा? अध्याय 14 उसके पद 3 लिखता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति उपदेश और शांति की बातें कहता है। उन्नति उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो जो भविष्यवक्ता है वो तीन प्रकार की बातों को लेकर आएगा, उन्नति की बात को लाएगा, उपदेश की बात को लाएगा और शांति की बातें। हिंदी में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं पर इंग्लिश में लिखता है, But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Edification, उन्नति। और जब हम इसके यूनानी में जाएंगे तो जो शब्द आता है इसके नज़दीक में वो शब्द है आर्किटेक्चर, जैसे कि निर्माण काम करने वाला, जैसे वो घर बनाएगा डिजाइन के साथ सुंदर है कि नहीं, वो सारा डिजाइनिंग देखेगा और उसके कंस्ट्रक्शन को पूरे तरह ध्यान से देखेगा। तो यहाँ जो उन्नति की बात है तो उसका अर्थ ये है कि जो भविष्यवक्ता है वो ऐसी बातों को लेकर आएगा लोगों के लिए जो उसको उन्नति देगा, उसको नेक्स्ट लेवल में ले जाएगा, उसको जितना अभी तक उसमें निर्माण काम हुआ है उसमें और बढ़ जाए, नेक्स्ट उसको बढ़ाएगा। जैसे अगर हम लोग किसी घर को बनाते हुए देखते हैं न्यू बन गए तो उसके आगे जब आएगा तो उसके ऊपर दूसरा रखेगा, जब दीवार बन गई तो छत बनाएगा और सब कुछ बनेगा तो खिड़की और दरवाजे लगाएगा, फिनिशिंग का काम करेगा। तो इस प्रकार से पूरी बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाए। तो ये जो परमेश्वर की कलीसिया है वो परमेश्वर का मंदिर भी है और इसमें जो भी परमेश्वर चाहता है, जैसे एक लहजे में कहा गया कि मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए तब तक ये लोग काम करेंगे। तो जिस प्रकार से कलीसिया दिखाई देनी चाहिए मसीह की देह के रूप में, या जिस प्रकार से कलीसिया दिखाई देनी चाहिए परमेश्वर के मंदिर के रूप में, उसको करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा। वो कुछ ऐसी बातों को बोल सकता है जिसके द्वारा किसी के जीवन में उन्नति हो, वो परमेश्वर की ओर से ऐसे संदेश को ला सकता है जो किसी के जीवन में मान लिया इतनी दूर तक उन्नति है तो उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, परमेश्वर की ओर से उसके जीवन के ताले को खोल सकता है, उसके जीवन के अंधकार को छाड़ सकता है, उसको एक नई दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि वो उन्नति उसके द्वारा दे सकता है। उन्नति की बातें कहता है उपदेश, एक्सोटेशन, एक्चुअली उपदेश उसके लिए सटीक अनुवाद नहीं है, और उसके लिए जो एग्जोटेशन का मतलब होगा कि उसको उत्साहित करेगा, उसको ऐसे वचन परमेश्वर की ओर से लाकर दे सकता है कि उसको उत्साहित करे। मान लिया जाए कि कलीसिया किसी समस्या से गुजर रही,
निराशा के दौर से गुजर रही है, ऐसी अवस्था में वो परमेश्वर की ओर से उन बातों को कह सकता है जो उनको उत्साहित करे। भविष्यवाणी का अर्थ ये नहीं है कि सीधे भविष्य बताना, कल ये होगा, परसों ये होगा, पांच साल बाद ये होगा, प्रधानमंत्री ये बनेगा, वो भी एक पाठ है, लेकिन उन्नति, उपदेश और शांति की बातें, एक्सोटेशन, उनके लिए उत्साह की बातें कहेगा, उनके लिए ऐसी बातों को लेकर आएगा जो उसको बिल्डअप करे, उसको उत्साहित करे। और शांति की बातें, जहां पर बेचैनी हो वहां पर भविष्यवक्ता इस्तेमाल किया जा सकता है कि परमेश्वर की ओर से कुछ बातों को बोले और वहां शांति छा जाए। हालेलुया। लोग आमतौर पर जानते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब वे लोग दब जाते हैं, परिस्थिति हावी हो जाती है। लेकिन अगर भविष्यवक्ता की तरफ से कोई वचन आ रहा है तो उसका कहा हुआ एक वचन ही काफी होगा उसके जीवन में शांति देने के लिए, क्योंकि वो भविष्यवक्ता की तरफ से आ रहा है, भविष्यवक्ता शांति लेकर आएगा। अब उसी जगह कोई आदमी उसको घट तो समझा सकता है, ऐसे 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 उसको समझ में नहीं आ रहा, बेचैन का बेचैन रहे। लेकिन अगर वो भविष्यवक्ता होने के लिए आया है तो भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने यह दान दिया है कि जब वो बोले तो शांति लेकर आ सकता है। तो जहां बेचैनी है वहां भविष्यवक्ता बोलेगा और शांति होगी, जहां निराशा है वहां भविष्यवक्ता बोलेगा और उत्साह होगा, जहां अधूरापन है वहां भविष्यवक्ता बोलेगा और उन्नति होगी। हालेलुया। मैंने इसको इस प्रकार से समझा, कई प्रकार, कई ऐसे भविष्यवक्ता भी होंगे जो आपके पापों की ओर इंगित कर सकते हैं, ये प्रकार का पाप है, इसको दूर करो। मैंने इस प्रकार से समझा कि जो भविष्यवक्ता होते हैं वो ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले लोगों की तरह है जो दुल्हन को तैयार करते हैं। दुल्हन को लोग रेडी करते हैं, कलीसिया को रेडी करें, दुल्हन को रेडी करते हैं, तो जब आजकल जो ब्यूटी पार्लर है उसमें दुल्हन को भेज दिया जाता है कि उसकी शक्ल बदल कर वहां से निकाल लीजिए। जब वहां वो घुसी उसके पहले वो कुछ और दिखती थी, फिर वो निकली तो कुछ और दिखती। तो जो उसका मेकअप करने वाले लोग हैं, ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं, उसका फेशियल करेंगे, उसका मसाज करेंगे, उसका क्या करेंगे, कलर करेंगे, देखेंगे एक भी बाल सफेद तो नहीं है, सब काला होना चाहिए, सब सुंदर होना चाहिए, सब ऐसा होना चाहिए। बोलो पार की नजर से देखेंगे कि कहाँ बुरा लग रहा है, यहाँ झुर्री लग रही है, वहाँ पेंट करो, जो भी। तो उनको एक भी चीज जो गलत हो खटकेगी और उसके लिए ऐसा कुछ करेंगे कि वो गलत चीज दूर हो जाए, वो अधूरापन दूर हो जाए। संसार की दृष्टि में मैं आपको समझा रहा हूँ, अब उसी को आत्मिक दृष्टि से समझिए। जो भविष्यवक्ता है इस काम के लिए है कि कलीसिया के अंदर जो लोग आ गए हैं आप उसमें अधूरापन ना रहे, उसमें कमी ना रहे, उसमें झुर्री ना रहे, उसमें कलंक ना रहे, और उसके लिए वो कोई वचन परमेश्वर की तरफ से ला सकता है, उसके लिए कोई संदेश ला सकता है, उसके लिए चेतावनी ला सकता है, उसके लिए कुछ भी ला सकता है। और अगर वो संदेश लाता है, कुछ बातें लाता है, उसको जो व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, बस ग्रहण करना ही काफी है, उसकी झुर्री दूर हो जाएगी, उसके दाग मिट जाएंगे, क्योंकि वो उस बात के लिए नियुक्त किया गया है। और परमेश्वर को अगर कलीसिया में कुछ करना होता है तो भविष्यवक्ता को पहले बताता है। आमोस की पुस्तक और उसके अध्याय 3 और उसके पद 7 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपना मर्म अपने दास भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए बिना कुछ नहीं करता है। प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। तो परमेश्वर का काम कलीसिया में हो उसके लिए चाहिए कि कलीसिया में भविष्यवक्ता भी हो, और नहीं तो कलीसिया स्थिर हो जाएगी, कलीसिया परंपरा को ढोने लगेगी, जैसा कि हम लोग इतिहास में पाते हैं। परमेश्वर का काम होने के लिए भविष्यवक्ता होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब भी एक नया काम वहां करना चाहेगा वो भविष्यवक्ता को बोलेगा, और भविष्यवक्ता उसको अपनी जुबान से बोलेगा, और तब परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर का यही स्टाइल है, वो डायरेक्टली काम नहीं करता, वो किसी को चुनता है, उसको बताता है, वो बोलता है, तब करता है। आप यीशु मसीह के जन्म के विषय ही देख लीजिए, भविष्यवक्ताओं को बुलवाया 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 और तब जाके यीशु मसीह आया। उसी प्रकार किसी को दंड देना होता था, पहले भविष्यवक्ता आता था, बोलता था दंड देगा, तब दंड देता था। आशीष देना होता था, भविष्यवक्ता आता था, तुम अच्छा है, एक आशीष मिलेगा और मिल जाता। परमेश्वर को कुछ भी करना होगा भविष्यवक्ता वहां पर आएगा। तो कलीसिया में अगर हमको परमेश्वर का काम देखना है, उन्नति देखना है, भविष्यवक्ता होने चाहिए। भविष्यवक्ता बोलेंगे परमेश्वर की तरफ से, ना अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की तरफ से, और परमेश्वर का काम वहां पर प्रकट होगा। तो परमेश्वर के काम को करने के लिए लोग चाहिए भविष्यवक्ता के रूप में, और परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त करता है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग
प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति को देखें जिसका भविष्यवक्ता के रूप में नाम है, तो हम लोग उसका नाम पाएंगे अगबुस, जिसने आकर के ये भविष्यवाणी की कि अकाल पड़ेगा, और जिसने ये भी भविष्यवाणी की कि अगर पौलुस जो है वो जाएगा तो उसको बांध लिया जाएगा और उसको सताहट का सामना करना पड़ेगा। उसने इस बात को कहा था। अगर हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 21 और पद 10 से देखें, लिखता है, जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। उसने आकर के पहले ही चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी कि पौलुस यदि तुम यरूशलेम जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। पौलुस ने उसकी बात को मान करके यरूशलेम नहीं जाना स्वीकार नहीं किया, कोई फिर भी यरूशलेम चला गया और ऐसा ही उसके साथ हुआ। तो भविष्यवक्ता चेतावनी ला सकते हैं। उसी समय एक समय भविष्यवाणी की गई थी अकाल पड़ेगा, तो अकाल पड़ेगा मतलब एक चेतावनी की बात है, अकाल पड़ेगा भी तैयारी कर लो क्योंकि तुमको समय से पहले बताया जा रहा है, इसलिए नहीं कि तुम वेट करते रहो अच्छा देखेंगे पड़ेगा कि नहीं, समय से पहले तुम तैयारी कर लो ताकि जब अकाल पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार ये चेतावनी दे रहा है कि जब तुम यरूशलेम जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो। भविष्यवक्ता चेतावनी ला सकते हैं। मान लिया कि कोई व्यक्ति एक दिशा में जा रहा है और आगे चलकर एक बड़ी दुर्घटना उसके साथ हो सकती है, या आगे चलकर उसके साथ कुछ हानिकारक बातें हो सकती है। उस व्यक्ति को पता नहीं है, उसको लगता है कि मार्ग ठीक ही है, तो परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेज सकता है उस व्यक्ति को ये बताने के लिए कि तुमको रास्ता बदल लेना चाहिए क्योंकि आगे खतरा है। उसको चेतावनी दे सकता है, तुम रास्ता बदल लो, दूसरी तरफ चले जाओ, और उस चेतावनी से कलीसिया को लाभ होगा, उसके द्वारा उन्नति होगी, उसको उत्साह मिलेगा, परमेश्वर का काम देखने में प्रकट होगा। भविष्यवक्ता चंगाई ला सकता है, भविष्यवक्ता आश्चर्य कर्म कर सकता है, जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ता थे उस समय भी, जैसे एलिशा के समय उसे नामान कोड़ी को चंगा कर दिया जो अन्य जाति में से था, और वो जो इसराइल के कोड़ी थे उनको तो ठीक करता ही था, क्योंकि तभी जाकर जो उसके घर में जो छोटी लड़की थी उसने कहा कि यदि वो भविष्यवक्ता के पास में हमारा नामान जाता तो ठीक कर देता, क्योंकि वो लड़की छोटी लड़की को मालूम था कि नामान एलिशा ऐसा करता है। तो चंगाई ला सकते हैं भविष्यवक्ता, वो सामर्थ्य के काम कर सकते हैं जैसे कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने किया, शमूएल ने किया, एलिशा ने किया, एलिया ने किया। वे लोग चिन्ह में दिखा सकते हैं, अद्भुत काम कर सकते हैं, वे लोग लोगों की जीवन में जो व्यक्तिगत जरूरत है उसको हिट करके वहां परमेश्वर की सामर्थ्य को दे सकते हैं, सीधे परमेश्वर के हस्तक्षेप उसके जीवन के लिए दे सकते हैं। भविष्यवक्ता इस प्रकार से हो जाते हैं कि मानो वे एक ईजी सप्लाई है लोगों के लिए। जब लोग अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं और चाहिए कि वहां परमेश्वर का काम हो जाए, तब परमेश्वर इस भविष्यवक्ता के मार्फत उसके जीवन में काम करे। देखिए, हर एक विश्वासी जो बुलाया गया है वो परमेश्वर से डायरेक्टली प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको उसके लिए उतनी उन्नति करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो उन्नति नहीं कर पाया है और उस समय उसको सहायता चाहिए तो भविष्यवक्ता उसको दे सकता है। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई भविष्यवक्ता होगा तो लोग बड़े उत्साहित होते हैं कि भाई भविष्यवक्ता आया है, उसके द्वारा मेरे जीवन के लिए कुछ हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इस आशा में पड़े हुए नहीं रहते हैं कि भविष्यवक्ता के द्वारा ही हमारे जीवन में कुछ हो। भविष्यवक्ता आए और हमारे जीवन में जो जरूरत है परमेश्वर उसके द्वारा उसको दे, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत रूप से उन्नति करते चले जाएंगे और उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पर हमें किसी तीसरे मीडिएटर की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। हालांकि तब भी परमेश्वर को कुछ देना होगा तो उसके द्वारा दे ही सकता है, लेकिन हम लोग इस वजह से उन्नति करना ना रुक जाए, या फिर हमको जरूरत पड़े तो दौड़ दौड़ कर भविष्यवक्ता के पीछे ना चले जाए, क्योंकि तब तो मनुष्य के पीछे भाग रहे। हमें परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए, और परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर डायरेक्टली काम कर सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं तो हमारी उन्नति होती है, मनुष्य के पीछे भागते हैं तो हम जहां थे वहीं बने रहते हैं, क्योंकि जो भविष्यवक्ता है वो उतना ही देगा जितना परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा, ना परमेश्वर हमको अनलिमिटेड दे सकता है। तो ये जो भविष्यवक्ता है इस प्रकार से कलीसिया के बीच में बड़े आशीष का कारण हो सकता है, कलीसिया में भविष्यवक्ता होने चाहिए और परमेश्वर आपको भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
आपकी बुलाहट इस प्रकार से हो सकती है, आप इसको जाने। फिर एक और कार्य है जिसको हम लोग वहां पर हम लोग देखा विभाग के हिसाब से, वह है शिक्षक, उपदेशक और रखवाले। तो जो उपदेशक है उसके लिए शब्द है दिदास्कोलोस या टीचर्स या शिक्षक, जो शिक्षा देता है। अब ये शिक्षा देने वाला वो क्या शिक्षा देता है? शिक्षा देने वाला कई लेवल का हो सकता है। एक व्यक्ति, जैसे हम लोग इसको ऐसे समझें, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी भारत में, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए कोई होते हैं, वो छोटे बच्चों को उसी हिसाब से सिखाते हैं, ठीक है, स्कूल से पहले का स्कूल वहाँ पे उनको सिखाते हैं। फिर जब वो स्कूल आ जाते हैं तो स्कूल में प्राइमरी स्कूल नीचे के दर्जे हैं वहाँ पर उनको सिखाने के लिए कोई, फिर हाई स्कूल जो उसके ऊपर के लेवल का स्कूल है सेकेंडरी स्कूल उसको सिखाने के लिए, फिर जो कॉलेज है वहाँ पर सिखाने के लिए कोई है, यूनिवर्सिटी तक चले जाते हैं। तो अलग अलग स्थान पर शिक्षक हैं और सारे शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि अरे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बहुत विद्वान है वैसे ही होना चाहिए, क्या क ख ग घ सिखाता है। अगर वो क ख ग घ ना सिखाए तो विद्वान व्यक्ति क्या सिखाए, कुछ नहीं सिखा पाए। तो सारे शिक्षक महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को शिक्षक होने के लिए बुला सकता है, लेकिन उसको जानना चाहिए कि उसको किन लोगों के बीच शिक्षा देने के लिए बुलाया गया है। अगर जो लोग नए नए विश्वास में आ रहे हैं उनको शिक्षा देने के लिए बुलाया गया है, तो वो व्यक्ति मुख्य रूप से उनको प्रभु यीशु के शिष्यता के लिए सिखाएगा, उनको बताएगा कि किस प्रकार तुम्हें प्रभु यीशु के साथ साथ चलना चाहिए, किस प्रकार तुम्हें उन्नति करनी चाहिए, किस प्रकार तुम्हारी दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार वचन में, प्रार्थना में, संगति में, सारी बातों में तुमको बढ़ना चाहिए। उसको ऐसा माहौल देगा, ऐसी शिक्षा देगा, ऐसी बातें बताएगा कि वो यीशु मसीह में स्थिर हो जाए। लेकिन कोई दूसरा शिक्षक हो सकता है जो उसके बाद की शिक्षा को दे, कि जब तुम इतना सीख चुके तब इसके ऊपर की बातों को सीखो, थोड़ा और गुड़ बातों को सीखो, उसकी गहराई में जा सको, उसके नेक्स्ट लेवल की बातों को सिखा सकता है। अब कोई और शिक्षक होगा जो उसके ऊपर की बातों को सिखा सकता है। तो शिक्षक अलग अलग बातों को सिखाते हैं, लेकिन जो उनका मूल टारगेट होता है वो ये है कि जो व्यक्ति सीख रहा है उसको स्वावलंबी बनाया जाए, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, दूसरे पर वो डिपेंड ना रहे। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों को जब घर में सिखाते हैं तो उसको स्वावलंबी होना सिखाते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम बोर्ड पर ही कुछ लिख लिख करके सिखाते हैं, हम उनको खाना खाना सिखाते हैं, हम उनको कपड़े पहनना सिखाते हैं, हम उनको चलने के लिए सिखाते हैं, हम उनको बहुत कुछ सिखाते हैं, वो सब शिक्षा के तहत आते हैं। लेकिन जो भी हम सिखाते हैं वो इसलिए सिखाते हैं ताकि एक दिन में अपने पांव पर खड़े हो जाए, एक दिन में अपना काम खुद से कर सके। तो जो भी शिक्षक हो वो इस बात को ध्यान रखे ताकि वो लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर सके, और जब वो स्वावलंबी हो जाएंगे तो एक दिन वो उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां दूसरे पर डिपेंड होने उनके लिए आवश्यक नहीं है कि भविष्यता आएगा तब जाके होगा। बिना भविष्यता के आए भी वो अपनी महिमा में जिंदगी को जी सकता है। तो शिक्षक को टारगेट करना चाहिए कि उसको महिमा की तरफ ले जाए, उसको क्या चाहिए उसके हिसाब से हम शिक्षा देंगे। हम कुछ भी आकर लेक्चर नहीं देने लगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो कुछ सीखा, हम लोगों ने सिस्टमेटिक सीखा, एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग यहाँ पर पहुंचे। अब सोचिए आज जो शिक्षा आज मैं आपको दे रहा हूँ, शुरुआत में मैं आपको नहीं दे सकता था क्योंकि कोई नींव ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है, वहां पर कहां मैं इन बातों को कह सकता हूँ। लेकिन जब कुछ बातों को सिखा दिया गया उसके बाद मैं कह सकता हूँ। उसी प्रकार शिक्षा है तो ये आपको स्वावलंबी बनाती है और ये आपको गूढ़ बातों को प्रकट करने के लिए भी सहायता करती है। जैसे प्रेरित पौलुस है वो शिक्षक भी था, तो उसको परमेश्वर की ओर से ऐसी गुण बातें प्रकट हुई जिसको वो लोगों को सिखाता था, सिखाता फिरा। और इसी प्रकार से एक शिक्षक गुण बातों को बताता, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी गुण बातों को बताया। जो मसीह में नए नए लोग हैं उन लोगों को हम उन गुण बातों को नहीं बता सकते क्योंकि ऑडियंस चेंज हो गया। प्रेरित पौलुस ऐसे कहता है पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 2 और उसके पद 4 से, हम लोग पद 1 से ही पढ़ेंगे तो हम लोगों को पूरा संदर्भ मिलेगा, पर 4 से पढ़ते हैं तो लिखता है कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। तो जब मैं शुरू में आया तो मैंने कुछ गूढ़ बातों को नहीं बताया, मैंने सिंपल सुसमाचार प्रचार किया, बस आत्मा और सामर्थ का प्रमाण वहां पर था और बहुत थरथराता वो तुम्हारे साथ रहा।
इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। क्योंकि शुरू में लोग परमेश्वर की गुड़ बातों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इसलिए सरल बातों से शुरू किया जाता है, वहाँ सामर्थ्य से शुरू किया जाता है, वहाँ दूसरी बातों से शुरू किया जाता है। लेकिन जैसे ही वे उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसके आगे का भोजन उनको दिया जाता है। जैसे पद 6 कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। पद 4 में कहता है, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। और पद 6 कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। तो जो शुरुआत के लेवल के हैं उनको ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, उनको गुड़ बातें नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर हो गए, थोड़ा सा मजबूत हो गए, तो उनको हम ज्ञान सुनाते हैं, उनको गुड़ बातें सुनाते हैं। और कौन सी गुड़ बातें? जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जिनको आत्मा ने हम पर प्रकट किया, उन बातों को हम सुनाते हैं। उसने कुरिंथ के लोगों से कहा कि तुमको मैं अन्न नहीं खिला पाया, तुमको मैंने दूध पिलाया, क्योंकि तुम अन्न को नहीं पचा सकते। तो उनकी स्थिति को देखा कि उनको अन्न चाहिए कि उनको दूध चाहिए। अगर उनको दूध चाहिए तो उनको दूध ही दिया जाएगा। अगर वे दूध पचा पा रहे हैं, अन्न खाने के लायक हैं, तभी जाकर हम उनको अन्न दे सकते हैं, और नहीं तो अन्न उनके लिए हानिकारक हो जाए, अन्न पच हो जाएगा। तो जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता है, उसके हिसाब से शिक्षा दी जाती है। इब्रानियों के पत्री में भी हम लोग पढ़ते 5वां अध्याय का आखिरी पैराग्राफ से, उनको कहते हैं, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुम्हें दूध ही चाहिए, अन्न तो सयानों के लिए। तो दूध और अन्न क्या क्या अर्थ है इसका? उसका अर्थ है ऐसी शिक्षा से जो शुरुआत के लोगों को दी जाती है और जो बाद के लोगों को दी जाती है। तो जैसे जैसे उन्नति होती चली जाती है, वैसे वैसे शिक्षा का उसकी जो गहराई है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो उस प्रकार की शिक्षा हम लोग देते हैं। और ये जो शिक्षा है, ये आपको बुलाहट पहचानने में मदद करती है। जो भी शिक्षा दे उसको शिक्षा देना चाहिए कि आप अपनी बुलाहट पहचान सकें, आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया, किस काम के लिए चुना है, आप उसको पहचान सके, इस बात के लिए सहायता मिले, आपको बताया जाए कि परमेश्वर इस प्रकार के काम करवाता है, आप अपनी बुलाहट ऐसे पहचान सकते हैं ताकि आप एक दूसरे काम को कर सकें। और जो शिक्षा है वो आपको मदद करती है कि आप परमेश्वर के सेवक हो जाएं। हम लोगों ने पढ़ा था इफिसियों 4:11 में, उसने कुछ को प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, शिक्षक, पास्टर नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। दूसरा अनुवाद कहता है, जिससे पवित्र लोग सेवा काम के लिए सिद्ध बने। तो पवित्र लोग अर्थात विश्वास करने वाले लोग। तो विश्वास करने वाले लोग सिर्फ विश्वासी ना रहें, सिर्फ चेले ना बने, लेकिन वे लोग सेवक बन सकें। तो जो शिक्षक हैं वो भी इस काम के लिए हैं कि ये लोग सेवक बन सके। तो वो आपको सेवक बनने के लिए प्रेरित करेगा, वो आपको सेवक बनने के लिए मार्ग दिखाएगा। अब यहाँ पर हम तय नहीं कर सकते कि आप ये बनिए, आप वो बनिए, आप वो बनिए, आप वो बनिए, नहीं, ये परमेश्वर तय करेंगे। हम आपको बुलाहट पहचानने का तरीका बताएंगे, बस आप उसको पहचानिए, आपको बनने के लिए उसके बाद जो मार्गदर्शन चाहिए शिक्षक के पास जितना होगा वो देगा। शिक्षक के साथ में ऐसा है कि कुछ शिक्षक बेसिक रूप में सबको जरूरत पड़ते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए, जो हमारे स्कूल सिस्टम है, 10th तक सबको पढ़ना ही है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 10th के बाद जिनको साइंस पढ़ना है साइंस पढ़े, जिनको आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़े, जिनको कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स पढ़े, साइंस में भी चले गए तो जिनको बायो पढ़ना है बायो पढ़े, जिनको मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़े, जिसको डॉक्टर बनना है डॉक्टर पढ़े, जिसको इंजीनियर बनना है इंजीनियरिंग पढ़े, और इसी प्रकार अलग अलग फील्ड। तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो इंजीनियर को नहीं पढ़ा सकते, जबकि है तो साइंस की। तो एक लेवल तक सबको समान रूप से शिक्षा चाहिए, और वहां के बाद अलग अलग बुलाहट के हिसाब से आप अपने लिए दूसरे प्रकार के शिक्षक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्रेरित होना चाहिए, भविष्यवक्ता होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मान लिया आप अपनी बुलाहट पाते हैं भविष्यवक्ता के रूप में, तो एक लेवल की शिक्षा तो आपको मिलनी चाहिए जो आपको मिली, और आगे चलकर आप भविष्यवक्ता की सेवकाएं करना चाहते हैं तो आपको दूसरे क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा जहां भविष्यवक्ता की शिक्षा आपको दी जाए, मतलब किसी भविष्यवक्ता के साथ हो लीजिए, वहां आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा और वहां पर उसकी शिक्षा वो आपको बेहतर दे सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसको उस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उसकी बारीकी जानता है, वो आपको बेहतर बता सकता है। यदि आपको प्रेरित होने के लिए चुना गया है तो आप थोड़ा बहुत प्रेरित को देखिए, उसके साथ जा सकते हैं रह सकते हैं तो समझिए उसको, और फिर आपको वहां पर जो कुछ मिलेगा वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, है ना।
क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए डॉक्टरों से ही पढ़ना पड़ता है। भले ही 10th तक आप लोग किसी टीचर से पढ़े, लेकिन वहां डॉक्टर भी एक टीचर है, ठीक है। और उसी प्रकार दूसरे जगहों पर अगर आपको कानून की शिक्षा पानी है, तो पहले आप जो कौन पढ़ा सकता है, जिसके पास LLB की डिग्री कम से कम है, जो वकील कम से कम वकीली की डिग्री है, वही वकीलों को पढ़ा सकता है, वही जज बनाने के लिए लोगों को पढ़ा सकता है। तो उस फील्ड में जो व्यक्ति है वहां पर सीखने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बेसिक शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिक शिक्षा जिस स्थान तक सबको मिलनी चाहिए वो सबको मिली नहीं, पहले ही ब्रांच सेलेक्ट कर ली। मैं 5 क्लास में ही था कि वो मेडिकल का स्टूडेंट बन गया, तो फिर आगे चल के जो डॉक्टर बनेगा तो थोड़ा खतरनाक ही होगा। बेसिक शिक्षा सबको होनी चाहिए, आपकी बुलाहट चाहे जो भी है, आपको जो मूल शिक्षा चाहिए खास तौर से वो गुण बातें जो वचन में प्रकट की गई है उनकी शिक्षा आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप आवश्यकता है, चाहे आप प्रेरित है, चाहे आप शिक्षक है, चाहे आप कुछ भी है, आपको चाहिए ही चाहिए। जिन बातों को इतने दिनों तक हम लोगों ने सिखाया है वो सारी बातें हैं जिनको कलीसिया के हर लोगों को जानना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है लोग नहीं जानते और फिर ब्रांच सेलेक्ट कर लेते, मतलब उस डायरेक्शन में चले गए और सोचते हैं कि उसकी क्या जरूरत है, हमारा तो उधर बुलाहट हो ही गया। नहीं, जरूरत है, आपके सही काम के लिए आपको जरूरत है, ताकि जिस फील्ड में आप हैं वहां पर आप सही काम कर सकें, और नहीं तो आप लिमिटेड काम करेंगे, आधा अधूरा करेंगे या फिर गलत काम करेंगे, नुकसान होगा। इसलिए इस काम के लिए शिक्षक बड़े काम के, है ना। और इस बात को जानिए कि जब लोग शिक्षक से सीखते हैं तो आगे चल के सब कोई शिक्षक नहीं बनते, सब बनते हैं क्या? नहीं, शिक्षक से पढ़ते हैं, आगे चल के कोई वकील बन जाता है, आगे चल के कोई डॉक्टर बन जाता है, आगे चल के कोई इंजीनियर बन जाता है, आगे चल के कोई IAS बन जाता है, आगे चल के कोई मंत्री बन जाता है, आगे चल के कुछ भी बन जाता है, लेकिन शिक्षक से गुजरते हैं। तो जो शिक्षक है वो जो 5 प्रकार के लोग हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर्स और टीचर्स, इन सब प्रकार के लोगों को उत्पन्न कर सकता है, अपने आप से नहीं, लेकिन जो शिक्षा वो देगा उस शिक्षा के द्वारा ये 5 प्रकार के लोग आगे आ सकते हैं, ये 5 प्रकार के लोग कलीसिया में खड़े हो सकते हैं। जानते हैं इन अंतिम दिनों में अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोगों को प्रेरित भी नजर आ रहे हैं, अभी हम लोगों को भविष्यवक्ता भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक समय आज से कुछ साल पहले चले जाइए, कुछ 100 साल पहले आपको नहीं मिलेंगे वहाँ। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा नहीं थी। जैसे वचन की शिक्षा आई उसके बाद ही ये प्रेरित और भविष्यवक्ता अस्तित्व में आने लगे। जब तक वचन की शिक्षा नहीं थी तो वो भी नहीं थे, तो शिक्षा इनको उत्पन्न करती है। तो शिक्षक कई प्रकार के लोगों को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि शिक्षक उत्पन्न करते हैं, ये प्रैक्टिकल बात है। और ये जो शिक्षक है वो आपको परमेश्वर का अनुभव कराता है, कि आपको कहेगा कि आपकी सेवकाई चाहे जो भी है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ कैसे गहराई से जा सकते हैं, उसके साथ गहरे संबंध को किस प्रकार बना सकते हैं, आप उसको आमने सामने किस प्रकार से महसूस कर सकते हैं, वो शिक्षक आपको सिखा सकता है। शिक्षक शुरू में तो आपकी मदद करेगा कि वहां परमेश्वर है, वहां पर आप है, बीच में हम है, मीडिएटर बन के आपको सहायता करें, लेकिन शिक्षक का काम मीडिएटर बन के रह जाना नहीं है, लेकिन शिक्षक का काम यह है कि आपको हाथ पकड़ा पकड़ा कर वहां तक पहुंचा देना जहां परमेश्वर से सीधे डील करें और शिक्षक वहां बीच में रहे ही नहीं। आप उसको याद करें कि हाँ, किसी ने मुझे सिखाया था, लेकिन अब जब परमेश्वर से आप डील कर रहे हैं उस समय आपको शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ी, शिक्षक वहां से चला गया, उसने अपना काम पूरा किया। तो ये जो शिक्षक का काम है बहुत खतरनाक है ना। शिक्षक का काम ऐसा है कि अगर वो शिक्षा का काम अच्छे से करेगा तो बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं भी करेंगे, क्योंकि तब आप भविष्यवक्ता पर डिपेंड नहीं होंगे, है ना। तो भविष्यवक्ता को लग सकता है कि अरे मेरा तो मार्केट खराब हो गया, सब कोई अपना अपना सीख गया। अगर वो भविष्यवक्ता इस प्रकार सोचता है तो जिसने उनको सिखाया वो उनकी आंखों की किरकिरी बन सकता है, कि किसने उनको ऐसा बना दिया कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं। मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन शिक्षा का काम इस प्रकार से है
तो आप जब वचन को सीख रहे हैं तो आप इस बात को जानिए, क्योंकि आप हो सकता है परमेश्वर शिक्षक के रूप में इस्तेमाल करें। फिर पांचवा, इसको जस्ट हम लोग कोट करते हैं और समाप्त करते हैं, पास्टर। पास्टर का जो अर्थ है, यूनानी शब्द दिया हुआ है, उसका जो अर्थ है वो है चरवाहा। पास्टर जो है वो चराता है, भेड़े चराता है। अब ये जो भेड़े चराने का काम है, उसका अर्थ है कि वो जितनी भेड़े कलीसिया के अंदर में आई हैं उन सब की रखवाली करता है कि वे भटक ना जाए। पास्टर का काम है उनको निगरानी करना कि कोई सेंध मारकर भेड़ों को चुरा ना ले जाए, कोई भेड़िया आकर, कोई शेर आकर उनको चुरा ना ले जाए, उनको गलत शिक्षाओं से बचा। पास्टर देखिए शिक्षा का काम भी करता है, एक समय था जब पास्टर ही सारा काम करते थे। तो पास्टर शिक्षा देता है, साथ में शिक्षा के द्वारा ही वो आपकी सुरक्षा कर सकता है। पास्टर का काम है कि आपको जब समस्या हो जाए तो आपको व्यक्तिगत रूप से डील कर सके, जो आपका पास्टर है वो आपको मिल सके, आपको विजिट कर सके, आप अपनी समस्या लेकर उस तक जा सके, आपकी सहायता कर सके। ऐसा ना हो कि आपको जरूरत पड़ी और आप सहायता पाने के लिए पास्टर नहीं मिला और आप किसी ताबीज वाले के पास चले। पास्टर का काम है कि आपको प्रोटेक्शन दे हर प्रकार से, आपकी रखवाली करे, आपको सही भोजन मिल रहा है कि नहीं उसकी देखभाल करे, आपको सही पानी मिल रहा है कि नहीं उसका अरेंजमेंट करे, पर्सनली आपके साथ डील करे। एक प्रकार से हम सोच सकते हैं कि शिक्षक के समान ही उसका थोड़ा बहुत काम है, लेकिन शिक्षक से बढ़कर उसका काम है आपके जीवन में देखना कि कहां पर घटी हो रही है, कहां कमी हो रही है, वहां पर वो भरपूरी के रूप में दे सकता है। और अगर वो पास्टर है तो परमेश्वर की सहायता से उन घटी और कमियों को भी दूर कर सकता है, क्योंकि उसको होने के लिए बुलाया गया है। तो उसके कॉन्ग्रीगेशन में, उसके अपने झुंड में किसी व्यक्ति को चंगाई की जरूरत होगी, वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो पास्टर के द्वारा वो चंगाई उसके जीवन में आ सकती है। वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, पास्टर के द्वारा शिक्षा उसके जीवन में आ सकती है। जो चाहिए वहां कॉन्ग्रीगेशन में उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रखवाली के लिए, भेड़ों की उन्नति के लिए, वो पास्टर को दिया जाता है। और बाकी जितने भी पास्टर से ऊपर के जो पद होते हैं, जैसे बिशप और हायरार्की होती है जो बना दी गई है ना, बिशप, आर्च बिशप वगैरह वगैरह, तो ये सब पास्टर कैटेगरी में ही ये कलीसिया को मैनेज करते हैं कि किस प्रकार से चले। उनका काम है झुंड को मैनेज करके रखना। प्रेरित का काम है बाहर जाकर कलीसिया स्थापित करना, स्थापित हो गई तो वहाँ पास्टर रखे, वहाँ टीचर रखे, वहाँ ये रखे, फिर उसको कहीं भेजता है वहाँ चलाए। इवेंजलिस्ट का काम है जहाँ चर्च है वहाँ पर लोगों को जोड़ता चला जाए। जो भविष्यवक्ता है उसका काम है कि झुंड के भीतर में वो परमेश्वर का माध्यम बन जाए, ताकि जो कमजोर हैं उनको भी परमेश्वर की सहायता मिलने पाए। जो शिक्षक हैं उनका काम भी झुंड के अंदर है, ताकि वो झुंड के लोगों को ऐसा सिखाए कि वो मसीह के डीप डाउन तक बढ़ जाए। जो पास्टर हैं उनका काम भी झुंड के अंदर है मुख्य रूप से, ताकि वो झुंड के अंदर सारे कामों को करे। अब ये सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति को जब परमेश्वर बुलाएगा तो क्या वो सिर्फ प्रेरित होगा, या फिर सिर्फ भविष्यवक्ता होगा, या फिर सिर्फ पास्टर होगा, या कुछ होगा? क्या एक व्यक्ति की बुलाहट एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हो सकती है? तो उसका जवाब है हाँ। जैसे प्रेरित जो था पौलुस, उसके विषय में कहा गया कि वो प्रेरित है। अगर हम प्रेरितों के काम अध्याय 13 उसके 1-3 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो शिक्षक भी था, वो भविष्यवक्ता भी था, सुसमाचार तो उसने प्रचार किया है। तो उसने एक साथ कई सारे डिपार्टमेंट उसने हैंडल किए। तो परमेश्वर किसी व्यक्ति को भी अनुग्रह दे सकता है, ये बुलाहट दे सकता है कि वो एक ही समय में वो कई सारे कामों को कर सके, कई सारे विभागों में उसका हाथ रहे, कोई एक लिमिटेड होगा, कोई जरूरी नहीं। तो आपको चेक करना चाहिए कि विभाग के हिसाब से परमेश्वर आपको कौन सी बुलाहट देता है। क्या आपकी बुलाहट प्रेरिताई के लिए है, भविष्यवक्ताई के लिए है, शिक्षक के लिए है, पास्टर के लिए है, या फिर सुसमाचार प्रचारक के लिए? आपको इस बात को देखना चाहिए। हालांकि मैं इतना बता दूं कि प्रत्येक जो विश्वास करने वाले हैं उनको सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। वे अगर पांचों में से किसी एक में भी महसूस नहीं करते फिर भी सुसमाचार प्रचार का काम उनका है, क्योंकि 12 प्रेरितों को चुना गया, उनको कहा गया तुम सुसमाचार प्रचार करो, बाद में कहा गया तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उनको शिष्य बनाओ, ऐसा करो। और उसने यीशु मसीह ने उनको कहा उनको वे सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुमसे कहा है। तो चेलों ने यीशु से सीखा, फिर उसके बाद वालों ने उन चेलों से सीखा, तो करते करते वो बातें हम तक पहुंची। तो जो बातें चेलों ने किया था
सुसमाचार प्रचार करके लोगों को सिखा करके वो एक एक पब्लिक के लिए दी गई है। हम लोग उस काम को कर सकते हैं, अपने स्तर पर हम उसको कर सकते हैं, खासतौर से जब अपना अपना छोटा परिवार है वहाँ अपने बाल बच्चों को हम सुसमाचार सुना सकते हैं ताकि वे लोग प्रभु में आ जाए। हम लोग वहाँ पर उनको शिक्षा देने का काम कर सकते हैं, कम से कम ये बेसिक दो काम तो घर में कर ही सकते हैं, और उसके बाद और भी बाहर अगर परमेश्वर की बुलाहट है तो हम उधर जा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है सुसमाचार और शिक्षा देने का काम अपने घर में हर कोई कर सकता है, और बुलाहट के हिसाब से वो बाहर जा सकता है जैसा परमेश्वर उसको नियुक्त करे भेजे। हालांकि इन पांच विभागों के हिसाब से चुनना किसी किसी के लिए कठिन हो सकता है, कोई सोचे पता नहीं मेरा तो इसमें से कोई भी फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि विभाग के अलावा कोई दूसरा तरीका है जिसके हिसाब से कामों को बांटा गया है, तो हम उस तरीके से अपनी बुलाहट को जाने। तो आने वाले सप्ताह में मैं इस बात को बताऊंगा कि काम के हिसाब से भी परमेश्वर ने बंटवारा किया, ताकि हम काम के हिसाब से अगर बुलाहट को महसूस करते हैं तो हम उसको समझ सकें। हालांकि जो भी काम होंगे इन पांच विभागों में से किसी एक विभाग में हो, आने वाले सप्ताह में हम लोग इसको सीखेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपनी सेवा के लिए हमें सिखा रहे हैं, बुला रहे हैं प्रभु, प्रेरित होने के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए, सुसमाचार प्रचारक होने के लिए, और शिक्षक और पास्टर होने के लिए तूने हमें शिक्षा दी, और हमें ये बताया कि इनके किस किस प्रकार के काम हैं ताकि हम उन बातों को जानें और हमें अपनी बुलाहट पहचानने में कोई भी दुविधा न रहे। पिता इन प्रियों के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु कि इनमें से प्रत्येक जन अपनी बुलाहट को साफ साफ पहचान सके। यदि तूने किसी को प्रेरित होने के लिए बुलाया है तो पिता प्रेरित होने के जो आशीष है और जो बुलाहट है उसके प्रत्येक भाग इनके जीवन के लिए प्रकट होने पाए, ताकि वे किसी प्रकार से अधूरे रूप में ना रहे लेकिन भरपूरी के साथ तेरी सेवा के काम को कर सके, सुसमाचार प्रचार के काम को कर सके। और यदि वे शिक्षक होने के लिए बुलाए गए हैं तो पिता शिक्षक होने के काम को भरपूरी से कर सके, भविष्यता होने के लिए बुलाए गए हैं तो उसको भरपूरी से कर सके, पास्टर होने के लिए बुलाए गए तो उसको भी भरपूरी से कर सके। अब पिता तू अनुग्रह कर कि जिस बेसिक शिक्षा को उन्होंने इतने दिनों तक पाया है जो हर के लिए जरूरी है पिता वो इनके अंदर में बनी रहे, और जो इनकी विशेष बुलाहट है उसके लिए जो विशेष शिक्षा है उसके लिए तू प्रत्येक जन के लिए इंतजाम कर, ताकि जिनको भविष्यवक्ता होने के लिए चाहिए उनको भविष्यवक्ता के रूप में शिक्षक प्रदान कर, जिनको प्रेरित होने के लिए चाहिए प्रेरित के रूप में शिक्षक प्रदान कर। और पिता ताकि वे अपने कामों की बारीकी को समझ सके और आगे बढ़कर उन कामों को बेहतर ढंग से कर सके, क्योंकि हम तो एक देह के अंग हैं, हम अपने अपने कामों को करते हैं और दूसरे अंग भी अपने कामों को करते हैं और इस प्रकार सारे काम पूरे हो जाते हैं। पिता हम इसी प्रकार हमें से प्रत्येक जन अपने कामों को सही ढंग से कर पाए, जैसे तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी होने पाए, तेरी योजना पूरी होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रत्येक जन की सहायता करेंगे अपने बुलाहट पहचानने में, अपने कामों को करने में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।